हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ इज किरण एंड आई एम योर न्यू हिस्ट्री एजुकेटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे। फटाफट से आ जाइए बेटा, शेयर करिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जुड़िए फटाफट से गाइस। यू ऑल आर वेलकम ऑन एन एकेडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जाम। यहाँ पर हम लोग अपनी आईएएस की प्रिपरेशन को कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। देखिए, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। और हम कौन है? हम अनअकैडमी है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है? तो इस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या-क्या मिलेगा? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सभी लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जितने टाइम का आप लेंगे, और वो भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, राइट? यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर बेनिफिट आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे जहां पर आप अपने एजुकेटर से इंगेज हो सकते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, यानी कि प्री मेंस और जो है ऑप्शनल इंटरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर, राइट? तो आपको मैटर के लिए, स्टडी मैटर मैटर के लिए और गाइडेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगी आपको बिफोर यूपीएससी इवेल्युएट्स यू, वी इवेल्युएट यू, ओके? एंड यू कैन एनालाइज योरसेल्फ। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं एक बार, तो आपको जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज आप उनको देख सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी डिवाइस में उन तक पहुंच सकते हैं, राइट? आपको हमसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके? दिस इज अबाउट मी। माई सेल्फ इज किरण एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, 2 times यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू, 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम एक्सीलेंट कमांड ऑन राइटिंग स्किल, जो कि ये वैल्यू पॉइंट होता है यूपीएससी का, एकदम वैल्यू पॉइंट है ना? आपको लिखना आना चाहिए। और ये मेरे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? PSIR इज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। आप किसी भी डाउट के लिए, कोई किसी भी डाउट के लिए आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। एंड PDF के लिए आप IAS किरण /IAS एजुकेटर मेरा टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखिए, आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है? ये सर हैं आपके लिए, राइट? तो इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, राइट? इतने कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, यूपीएससी के प्रिपरेशन में सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है आपकी तैयारी एकदम अपडेटेड है, एकदम अपडेटेड। तो बेसिक टू एडवांस जो है आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी, ओके? नेक्स्ट जो है, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है आपके लिए 1 month, 3 month, 6 months, 12 months। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के लिए हमने 2 प्लान लॉन्च किए हैं। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक। पहले प्लस के बारे में देखिए, ये 8 चीजें हैं आपके लिए। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये आपको मिलेगा प्लस कोर्स में। अगर आप, ठीक है, आइकॉनिक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 2 प्लान, क्योंकि एग्जाम 1 साल में ही कंप्लीट होता है, ठीक है? और जो है, अगर मान लो एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो आपको फिर गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स और बहुत सारा सिलेबस तो चेंज होता रहता है। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फी होगी 44,000। आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं किरण 1, यू विल गेट 10% ऑफ, ओके? सेम
24 मंथ तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा, जिसका फी है 64,000। आप मेरा अगेन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फी 10% लेस हो जाएगा, 27,600, राइट। नेक्स्ट आइकॉनिक, ये आजकल बहुत हिट हो रहा है, स्टूडेंट में सब इसकी तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये चार चीजें तो आपको मिलेंगी ही, साथ में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। अभी जो मैंने आपको टॉप 100+ जो एजुकेटर्स बताए थे ना, जो कि हमारी तरफ से एकदम नया इनिशिएटिव पर्सनल कोच, जिसमें मैं भी रहूंगी आपकी, ठीक है। तो आपके पास दो दो पर्सनल कोच हो जाएंगे, जिसमें आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, आपकी स्टडी को प्लान किया जाएगा, और आपको एक पर्सनलाइज फीडबैक भी दिया जाएगा। ओके, अगर आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का सब्सक्राइब करते हैं, जिसका फी है 64, अगेन यू कैन यूज माई कोड किरण1, यू विल गेट 10%। अगर आप 24 का करते हैं तो और भी सस्ता पड़ेगा, 99,000 फी है, यू कैन use my code Kiran1 and you will get 10% off, right? तो guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, और वो टॉपिक ऑफ द डे है हमारा गांधीयन रीजनल मूवमेंट। ओके, आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पर शेयर करिएगा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो guys, फटाफट से जुड़िए बेटा, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले एक क्लास और हुई थी हमारी, ठीक है, जिसमें मैंने थॉट्स ऑफ गांधी के बारे में बताया था, तो उसी से मिलता जुलता है ये गांधीयन रीजनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये लेक्चर समझने के लिए आप एक बार ये आज अटेंड कर लीजिए, आप एक बार वो वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार उसको भी देखिएगा आप। 14 अगस्त को हुआ था, टाइमिंग सेम थी, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप एक बार समझिएगा, एकदम नई अप्रोच के साथ मैंने नेशनल मूवमेंट के सिस्टम को जो है प्रेजेंट किया है आपके सामने। ओके, देखिए सिलेबस क्या है हमारा यूपीएससी का, हिस्ट्री का, ये आप देख पा रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री From middle of the 18th century until present। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, significant events आएंगी, personalities आएंगे, issues आएंगे, right? यहाँ पर focus होंगे आपके question। तो अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, वो हम लोग कर रहे हैं freedom struggle का, जो कि इसकी अलग अलग stages हैं। कितनी stages थी? Okay? Tell me in comment box how many phases of freedom struggle, tell me how many phases of freedom struggle, ठीक है। Yes, good morning, good morning, Payalpuri, good morning, good afternoon Monica, Arpit Verma, good afternoon, Deboji Dutt, मैम history के लिए कौन सी books follow करूं, अभी बताती हूँ बेटा। Is this recorded? No, I am live. This is not recorded. I am live in front of you. You can ask me any doubt. Recorded नहीं है। प्रवीण भारद्वाज, हेलो हेलो बेटा, कोकन गहलोत, शुभम राठौड़, हेलो तनु चौधरी, गुड नून बेटा, गुड नून, अर्पित वर्मा, 3, यस। बताइए कौन से हैं, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। Phases of freedom struggle, क्या क्या फेजेस हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, मुझे आप बताइए, फेजेस बताइए फ्रीडम स्ट्रगल के क्या क्या हैं, फटाफट से कौन से हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर मैं फेजेस की बात करूं, ठीक है, या स्टेजेस आप कह लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमेशा स्टेजेस से, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर से, कंट्रीब्यूशन से आएगा, इवेंट से आएगा, पर्सनैलिटी पर आएगा, इश्यू पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम इतना पूरा जो भी कुछ बुक में लिखा होता है, जैसे मान लो हम हिस्ट्री की कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम उसको रटते रहते हैं, ठीक है, जो बुक में लिख दिया उसी को हमने रट लिया, हमने ना सिलेबस देखा ना हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, ठीक है। इस क्लास के लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, आज मैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, वैल्यू पॉइंट, और वो वैल्यू पॉइंट होगा स्ट्रेटजी टू रीड फॉर यूपीएससी, ठीक है।
क्योंकि यूपीएससी का जो आप रट रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स तक तो ठीक है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन हमारी सोच से भी 10 कदम आगे होता है। समझ रहे हैं आप? बहुत आगे की सोच का होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैं बुक्स भी बताऊंगी बेटा आपको, बुक्स भी बताऊंगी हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना गांधीयन मूवमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो गांधीयन मूवमेंट थे, रीजनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट जो है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? मैंने इसको बहुत इजी वे में आपके लिए प्रेजेंट किया है। इसके दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं, रीजनल मूवमेंट्स और दूसरे आपके ऑल इंडिया मूवमेंट। रीजनल मूवमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किए गए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद, तो जो ये तीन अर्ली रीजनल मूवमेंट थे, इन मूवमेंट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ पर गांधी को एक महात्मा बना दिया और एक ऑल इंडिया लीडर, एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दिया, ठीक है? तो हियर गांधी टर्न्स इनटू ऑल इंडिया लीडर, यहाँ पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ट्रू लीडर जो है बनकर उभरे थे गांधी जी, ठीक है? यहाँ से इन तीन मूवमेंट से, इन रीजनल मूवमेंट से रिकॉग्नाइज किया गया था उनको इंडिया लेवल पर एक लीडर के रूप में, ठीक है? और उसके बाद ये ऑल इंडिया मूवमेंट चलाए गए थे, ठीक है? तो इसको ना मैं आपको एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है? और जो ये आज का जो ये सेशन है ना, ये प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स बेस्ड है ये, आईएएस का जो प्रीलिम्स है, ठीक है? इस टॉपिक से मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अगर आएगा भी तो एनालिसिस बेस्ड आएगा, जिसमें आप ये नहीं लिख सकते, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि राइट एंड नॉट ऑन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद एंड रॉलेट खिलाफत, नो, इस तरीके से कभी यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चन आपके इसके बनेंगे, ठीक है? तो ऑल इंडिया मूवमेंट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नेक्स्ट है हमारे साल्ट एक्ट, ठीक है? साल्ट एक्ट, ये समझ रहे हैं ना आप? दांडी मार्च, जिसने शुरू किया था, दांडी मार्च से क्या शुरू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर आएगा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था, फटाफट से बताएं। गुरमीत सिंह, नमस्ते मैम, नमस्ते, यू आर वेलकम, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए अभी हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली था क्या, ठीक है? तो चंपारण सत्याग्रह देखिए, इसमें जो पहले वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने थॉट्स पढ़े थे, जैसे कि नॉन वायलेंस, ठीक है? नॉन वायलेंस क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, स्वराज क्या होता है, कुछ ऐसे थॉट्स हम मैंने आपको पढ़ाए थे, जिनको गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल करते हुए, अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से लड़ाई करते हुए, उन टेक्निक्स को प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था उनके अगेंस्ट में, ठीक है? और उन्हीं के बेस पर जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा गया था। और ये नेशनल और स्टार्टिंग वाले जो थॉट्स थे, जैसे कि सत्याग्रह, ठीक है, इन चीजों को स्टार्टिंग जो रीजनल वाले मूवमेंट थे, इनमें गांधी जी ने कैसे अप्लाई किया था, ठीक है? तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन, छोटा सा, ठीक है? सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है बेसिकली? सत्याग्रह मीन्स पीसफुल रेजिस्टेंस टू एविल एंड नॉट एविल डूअर्स, ठीक है? तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले। आप किसी भी इविल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? तो जो बुराई होती है ना, तो ये गांधी जी की दी हुई बात है कि बुरा करने से डरो, कि बुराई से डरो, बुरा करने वाले से नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इविल के खिलाफ लड़ना आपको एक पीसफुल, ठीक है? मान लो किसी ने आपको गाली दे दी, तो आप उसको गाली नहीं दोगे, है ना? आप उसको गाली नहीं, ये गांधीयन मेथोडोलॉजी है, ठीक है? तो सत्याग्रह मीन्स पीसफुल रेजिस्टेंस टू इविल एंड नॉट द इविल डूअर, ओके? तो ब्रिटिशर्स को कभी गांधी ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया कि आप इसको बदलिए, हम आपके खिलाफ नहीं है, आप इसको बदलिए, ठीक है? जल्दी से जुड़ जाइए, संध्या दुबे नमस्ते,
एग्जाम वॉरियर, ओ माय गॉड। द चंपारण सत्याग्रह इज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी। देखिए, ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो इंडिया में लैंड किया था गांधी जी ने, और अपनी टेक्निक सत्याग्रह को इस्तेमाल किया था, जिसमें बहुत हद तक जो है सक्सेसफुल रहे थे। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इसको जो है गांधी ने जी ने चलाया था, और इसको कैसे जो है सफलता मिली थी, क्या इश्यू था, गांधी जी ने क्या क्या किया, प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए हर एग्जाम्स में, जितने भी वन डे ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, UPIAS प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। राइट, एक बहुत ही अलग वे प्रोसेस बनेगा आपको। बाद में मैं PDF भी आप समझ लीजिए, लेटर आई विल शेयर टू यू। ठीक है, PDF। शुभम राठौड़, मैडम क्या आप इस टाइम पर पढ़ाते हो? रोज होगी बेटा मैक्सिमम। ठीक है, कोशिश तो यही है, रोज इसी टाइम पे मेरी क्लास होगी, जब तक, ठीक है, गांधीयन इरा खत्म नहीं हो जाता और एकदम इनोवेटिव टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एकदम इनोवेटिव टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप इस पर फोकस करिए। ठीक है, ज्यादा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले होते हैं वो ज्यादातर कमेंट लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका सारा फोकस पढ़ाई करने पे होता है। सो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, ओके, हे आई एम हियर फॉर यू। राइट, तो यहाँ पर चलिए आप, दिस मूवमेंट मार्क्ड महात्मा गांधी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सत्याग्रह मोड ऑफ प्रोटेस्ट, ओके, और जो कि पैसिव रेसिस्टेंस होता है, नॉन वायलेंट होता है, सिविल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। इसका मेन फोकस क्या था? ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था और इसका मेन फोकस क्या था? तो चंपारण मूवमेंट का जो मेन फोकस था वो था टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण अंडर द तीन कठिया सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन कठिया सिस्टम बेसिकली क्या था, मैं इसको भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण किसान, ये बिहार में पड़ता है, वहां के फार्मर्स होते हैं और वो फार्मर्स बहुत ही एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। एक सिस्टम चलाया हुआ था, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी, जिसको कि तीन कठिया सिस्टम कहते हैं। राइट, तो ये तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपके लिए तीन कठिया सिस्टम हाजिर है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा इसको और पढ़िएगा, आपको एकदम से चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपको ये क्लास में ही याद हो जाएगा, बिल्कुल भी क्लास में याद नहीं होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, क्लास में बिल्कुल याद नहीं होगा, आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इस बात को एकदम से भूल जाए कि कोई जादू मंत्र होता है टीचर्स के पास, एक बार पढ़ा दिया और आपको जो है आ गया। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 से 4 बार रिविजन मस्ट होता है, समझ गए गाइस, ये है। ठीक है, द की ऑफ सक्सेस इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। राइट, तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ कि आपको कैसे चीजों को समझना है, कैसे चीजों को पढ़ना है, समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखे तीन कठिया सिस्टम बेसिकली क्या था, इट वॉज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल एक्ट, ओके, और ये सिस्टम क्या बोलता था, इसने जो किसान थे चंपारण के, उनके सामने कुछ कंडीशंस रखी थी इंडिगो प्लांट के लिए। इंडिगो बेसिकली क्या होता है, इंडिगो नील की खेती होती है, नील समझते हैं आप, मैं आपको बताऊंगी क्यों रखी थी ये कंडीशन। नील, नील देखा होगा ना कपड़ों में, कपड़ों में इस्तेमाल होता है नील। ठीक है, ये एक नेचुरल डाई होता है, क्या होता है, एक नेचुरल डाई होता है। ठीक है, जिसको डाई के लिए, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी होती है वो इस्तेमाल करती हैं टेक्सटाइल्स को कलर करने के लिए, कलरिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो उसको उगाने के लिए कंपल्सन किया था। ठीक है,
तो कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया किसानों के लिए। उन्होंने एक एग्रीकल्चर एक्ट लेके आए जिसे इंडिगो एक्ट भी कहते हैं, और इन्होंने किसानों को क्या बोल दिया, चंपारण के किसानों को क्या बोल दिया कि आप जो है 320, आप 320th पार्ट में अपने खेत के 320th पार्ट में नील उगाएंगे और कुछ नहीं उगा सकते, सिर्फ नील उगाइए, क्योंकि नील की जरूरत थी उनको। और वो क्यों थी मैं ये भी बताऊंगी आपको। और उनकी जमीन का 320th ऑफ देयर लैंड इज रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है, और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। आप यहाँ पर चावल गेहूं कुछ भी नहीं उगा सकते, यू कांट प्रोड्यूस एनीथिंग अदर देन इंडिगो, ठीक है। तो ये जो है एक उनका एक मनमाना एक एक्सप्लॉयटेशन था, है ना। और इसके लिए किसान बहुत एक्सप्लॉयटेड एलियनेटेड फील करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये तो बेसिक जो है उनका फॉर्मूला था जो उन्होंने किया। देखिए अब इसको तीन कठिया क्यों कहते हैं, देखो ये समझ लीजिए, इसको तीन कठिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो खेत के 20 पार्ट्स में थे, तीन पार्ट, ठीक है, यानी कि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे या परसेंटेज निकाले तो 15% निकलेगा, निकाल के देख लीजिए, राइट। तो 15% जो जमीन होती थी कल्टीवेशन के लिए, दैट वाज रिजर्व फॉर, यानी कि थर्ड पार्ट, 320th, 320th, जस्ट बिकॉज ऑफ 320th, तो इसको तीन कठिया सिस्टम नाम दिया गया, ओके। तो ये एक इंडिगो एक्ट था, राइट। इसमें फार्मर्स को फोर्स किया जाता था, ब्रिटिश ट्रेडर्स फोर्स करते थे आप नील उगाइए, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन कैसे, जो एजेंट होते थे लैंड लॉर्ड्स के, क्योंकि पीजेंट्स के पास इतनी ज्यादा जमीन तो होती नहीं थी, वो तो ऐसे लेबर काम करते थे, ठीक है। थोड़ी बहुत जो जमीन उनके पास होती थी, जो अपना बेसिक अपनी नीड के लिए जो वो अपना अन्न ग्रेन्स उगाते थे, ठीक है, तो उसको भी उसका थर्ड पार्ट, 320th पार्ट इन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, ओके। अब नेक्स्ट चीज थिंग, जैसे लैंडलॉर्ड क्या करते थे कि वो किसी भी कंडीशन में इसको इम्प्लीमेंट कराते थे, ठीक है। अगर किसान ने कुछ और अनाज को वहां पर कर दिया, बो दिया, तो वो ब्रूटल मीन्स भी इस्तेमाल करते थे कि भाई तुम क्यों उगा रहे हो जब तुमको नील उगाने के लिए बोला, चाहे तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू प्रोड्यूस इंडिगो, तो मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल था, इतने ब्रूटल मीन्स जो है इस्तेमाल किए जाते थे किसानों के प्रति बहुत ही, तो जिसकी वजह से किसानों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पीजेंट्स वर फीलिंग वेरी एक्सप्लॉयटेड। अब यहाँ पर पीजेंट्स देखिए, अगर कोई रिफ्यूज कर देता था कल्टीवेट करने के लिए इस स्पेसिफिक क्रॉप को, तो उसको जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बदले में क्या करते थे, बहुत हैवी टेक टैक्सेस, लैंड टैक्सेस उन पर इम्पोज कर देते थे, और वो एक जो है लोन, मतलब एक ऋण के ऐसे इतना डेट हो जाता था कि ये सुसाइड भी कर लेते थे या अपनी जमीन छोड़कर कहीं और चले जाते थे, ठीक है। और मतलब इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था। अब देखिए ब्रिटिशर्स क्यों क्यों चाहिए था इनको इंडिगो, देखिए यहाँ पर एक रीजन है, और इसका रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज भी चलाऊंगी और उसमें मैं आपको सारे वार पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये था गाइस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 14 से 18 तक चला था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी जर्मनी की वजह से जो है, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जर्मनी उस टाइम पे एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करता था, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था इस युद्ध के लिए। जर्मनी में सिंथेटिक डाई बना करते थे, ठीक है, इसके बहुत इंडस्ट्रीज थी जो कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो जाती थी, सिंथेटिक डाई बनाने लगे थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी इतना बुरा हारा कि जर्मनी में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ठीक है। द डिफीट ऑफ जर्मनी लेड टू इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन आया, और इस इकोनॉमिक रिसेशन ने वहां की इंडस्ट्रीज को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया, जर्मनी बर्बाद हो गया। जब जर्मनी बर्बाद हो गया तो ये सिंथेटिक डाई भी जो थी ये भी जो है खत्म हो गई, तो ये नहीं मिली। लेकिन ब्रिटिशर्स की तो जीत हुई थी ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स तो जीते थे। अब ब्रिटिशर्स जब जीतेंगे तो इनको तो अपना ट्रेड एंड कॉमर्स चलाने के लिए सारी रॉ मटेरियल चाहिए ना,
तो इनका जब ये सिंथेटिक डाई का सप्लाई जब खत्म हो गया तो इन्होंने भारत के किसानों में, ठीक है, और भी जहां भी इनकी कॉलोनीज थी, चाहे वो एशियन कॉलोनी हो या अफ्रीकन कॉलोनी हो, जहां कहीं भी इनकी कॉलोनीज थी, जो जो देश इनके गुलाम थे, हर जगह इन्होंने जो है किसानों को इस तरीके से इंडिगो, ठीक है, और इंडिया की जो क्लाइमेटिक या लैंड कंडीशन हुआ करती थी वो इतनी फेवरेबल थी कि ये आराम से उग जाता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जो है इनको बोला कि आप जो है उगाइए, ठीक है। तो रीजन ये था, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप हुआ करती थी, तो अपने प्रॉफिट के लिए फिर ये इससे डाई बनाते थे, इस वजह से जो है ये नील की खेती करवाते थे किसानों से। समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया है कि जो तीन कठिया सिस्टम क्या था, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने कैसे इसको लागू किया, क्यों लागू किया बेसिकली, ठीक है, और ये किस तरीके से एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम हो गया था। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती थी इंडिगो कल्टिवेशन में, ठीक है, एक फेमाइन लाइक कंडीशन, ठीक है, हो जाती थी। देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि जब इंडिगो उगाया जाता था तो लैंड जो थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है ये इनफर्टाइल हो जाती थी लैंड, जिससे दूसरे अनाज को उगाना फिर पॉसिबल नहीं होता था। तो नील की खेती करने से अपनी इनकी लैंड भी इनफर्टाइल हो जाती थी, जिसकी वजह से भी इनके अंदर जो है एक डिससेटिस्फेक्शन था कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सिर्फ इंडिगो की को ही प्रेफरेंस दे सकते थे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब आप खुद समझिए, जब इनको अनाज नहीं उगाने दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, तो अदर क्रॉप्स जो होंगी वो नहीं उगाने दिया जाएगी, तो इससे क्या होगा, तो इससे शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हो जाएगा, और जिससे फाइनली क्या होगा, फूड क्राइसिस, ठीक है। तो फूड क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से किसानों को और ज्यादा समस्याएं होने लगी। उस टाइम पे किसानों के पास सिर्फ एक क्रॉप्स, उनका ग्रेन्स ही होता था, जिसको वो लगान के रूप में, यानी कि जो लैंड रिवेन्यू हुआ करता था, टैक्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। सारा काम जो है उनका ये ग्रेन, ये बेसिक चीज हुआ करती थी, ठीक है, बस ये दिस वन, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए शुरुआत होती है, कोई भी चीज पढ़ने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया चंपारण के बारे में, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फिर इसको कैसे कैसे जो है वो एक्सप्लॉइटेड होते गए, फिर उसके बाद इस एक्सप्लॉइटेशन से अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए क्या स्टेप लिया गया। देखिए, राजकुमार शुक्ला नाम के एक लोकल ट्रेडर हुआ करते थे, ठीक है, ये वहां के एक लोकल व्यापारी थे चंपारण के ही, ठीक है। इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, देखिए यहां से शुरू होता है गांधी जी का रोल, ठीक है। तो गांधी जी को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और किसानों के ग्रीफ, उनकी प्लाइट को एड्रेस करिए, भाई आप मदद करिए यहाँ के किसानों का, ठीक है। तो वो लोकल ट्रेडर जो है कैसे जानते थे गांधी जी को, 1915 में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 1950 में, 15 में जो है गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, और वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, जिसकी वजह से इनको एक रिकॉग्निशन मिल गई थी, पहचान मिल गई थी, ठीक है। और ये राजकुमार शुक्ला जो थे ये गांधी जी से 1916 में मिले थे, कहां पर मिले थे, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, ठीक है, जिसकी जिसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो ये लखनऊ सेशन है 1916 का, ये अपने आप में दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक तो यहाँ पर यूनिटी हुई थी, मिलाप हो गया था, यूनिटी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, है ना, वापस से मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो गए थे ये, है ना, स्माइलिंग, राइट। तो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, जिनका सूरत सूरत स्प्लिट हुआ था ना 1907 में, ठीक है, तो ये
यहाँ पर जो है 9 साल बाद जो है इनका हैप्पी हैप्पी मिलन हुआ, राइट, 1916 में, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरी दूसरी जो वजह थी, जो सेकंड वजह थी, वो थी यहाँ पर मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को एक सेपरेट पॉलिटिकल, एक सेपरेट मुस्लिम पार्टी, एक सेपरेट मुस्लिम पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। कांग्रेस हिंदू पार्टी और मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी, ठीक है, कि भाई आप चलो कोई बात नहीं, हम आपको जो है नाम दे देते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये एक जॉइंट सेशन था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, ठीक है। तो ये पहला ऐसा सेशन था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ देखा गया। उसके बाद जो है ये बंदे और ये बंदे कभी बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ से जो है जड़े एक तरीके से हमारे पार्टीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हो जाती, क्योंकि यही मुस्लिम लीग आगे चलकर एक सेपरेटिस्ट पार्टी बन जाएगी कि भाई हमको तो अपना पाकिस्तान चाहिए अलग से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ना इनको सेपरेट पहचान दी होती और ना इनको अलग किया होता, अपनी पार्टी में रख लेते, अध्यक्ष अध्यक्ष बना लेते, तो शायद चीजें कुछ ठीक रहती, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स होती ही ऐसी है, ठीक है। तो ये भी सोच रहे थे कि जो है हमारे पास रहे पावर, और ये भी अपने आप को जो है पावरफुली बनाना चाहते। तो बेसिकली जॉइंट सेट जो सेशन हुआ इनका, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आई, ठीक है। कौन सी मेन चीजें, ठीक है, एक तो इनका मिलन हुआ और एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, मुस्लिम पार्टी के रूप में जो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, ठीक है। तो इस पार्टी में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेशन किया था, और गांधी जी ने जो पार्टिसिपेशन किया था, राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति इनसे मिले थे, तो ये काफी प्रभावित हुए थे इनसे मिलकर, और इनको बोला कि गांधी जी आप हमारे चंपारण में आइए और जो है आप आकर हमारे परेशानी को दूर कीजिए, ठीक है। अब गांधी जी ट्रेन में बैठे और बिहार पहुंच गए, ठीक है। तो बिहार जब पहुंचे तो मोतिहारी स्टेशन लगता था उस टाइम पे, ठीक है। तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही उतरे, तो उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक नोटिस मिला, ठीक है, और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जैसे आए हो वैसे ही चले जाइए यहाँ से, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जो है ये इंडिगो एक्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए, ठीक है। अब गांधी जी को जब ये नोटिस मिला कि उतरे और जो भी नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन है उसी से वापस चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सर्व करने आया हूं, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नोटिस का जो है उन्होंने क्या किया, उल्लंघन कर दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उल्लंघन करने के लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट करने के बाद जो है लोगों को पता चला कि गांधी जी आए हैं, तो एक बहुत बड़ा मास उनके पीछे था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो फाइनली जो है उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। अब जब इनको रिलीज कर दिया गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने फिर अगला स्टेप क्या किया, ये कल्टीवेटर्स से मिले, ठीक है। ये पता है इनकी मेथोडोलॉजी क्या हुआ करती थी, ये स्टडी किया करते थे भाई अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि ये बैरिस्टर तो थे ही ना, ये बैरिस्टर तो थे, इनको उस टाइम के सभी लॉज की नॉलेज थी, ठीक है। तो ये एक एजुकेटेड तरीके से काम करेंगे ना, समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट तो पहले ही उसकी थीम तैयार करते थे, उसके बाद जो है उसको एक पूरी पावर के साथ इंप्लीमेंट किया करते थे, दिस वाज द गांधी, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने जो है स्टडी किया कंप्लीट, तो स्टडी जब इन्होंने किया तो इन्होंने रीजन समझे भाई जो ये समस्या है उसके रीजंस क्या है, ठीक है। तो देखते हैं रीजन क्या थे, तो इसके जो कारण है, रीजंस कॉन्सिक्वेंसेस कारण को कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूरा स्टडी किया उसको, बहुत सारे लोगों से मिले, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और इस इंक्वायरी कमेटी के ये खुद चेयरमैन बन गए और एग्जामिन किया कि भाई जो ये लैंडलॉर्ड है ये पीजेंट्स को क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है। तो ये जो कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी, भी ये कमेटी जो है एग्जामिन करेगी कि कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड्स पीसेंट्स का या फार्मर्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज सिग्निफिकेंट, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जब उन्होंने इनके प्लाइट को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। तो कमेटी बनाई, कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और फिर उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, और चंपारण एग्रेरियन बिल के रूप में जो है उसको भेज दिया बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है। और 4 मार्च 1919 को, यानी कि एक साल के बाद, चंपारण एग्रेरियन बिल को एक लॉ में बदल दिया गया और इस लॉ के अंतर्गत क्या कर दिया, इस तीन कटिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ये था वो, ये WB हेकॉक है ना, जो यही था वहां का मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब DM था ये वहां का, उस टाइम का ICS ऑफिसर जिसको कहते हैं ना, जो उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये जो ICS था, इसी ने नोटिस दिया था गांधी जी को कि आप जो है जैसे आए हैं जो अगली ट्रेन है ना उसी में बैठ के चले जाइए, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी को लॉ एंड ऑर्डर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने का चार्ज लगाकर इनको अरेस्ट कर, इन्होंने अरेस्ट किया था। तो कई बार कई एग्जाम्स में, और अगर आप CDS वगैरह में जा रहे तो पूछ लिया जाता है, NDA वगैरह में पूछ लिया जाता है, या डिफेंस जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये था बेसिक, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, अपने दोस्तों को भी। एलेक्स, गुड आफ्टरनून मैडम, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। अगर कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे बताइए। UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे फालतू के कमेंट बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ओके, क्योंकि भाषा भी आपकी पहचान बताती है, लैंग्वेज, राइट। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, समझ रहे हैं। और खासकर यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वालों का तो इतना हाई मोरल स्टैंडर्ड होता है, दे कांट यूज सच फिल्दी लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पर जो है, यस, जिसको जो जो प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं गाइस, यहाँ तक क्लियर है चीजें आपको, ठीक है। देखिए, सिर्फ वहां पर गांधी जी ने, ऐसा नहीं है कि एक तीन वो तीन खटिया सिस्टम ही खत्म करना था कि भाई आप नील नहीं उगाना चाहते तो चलो इस चीज को मनवा दिया, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी किए थे, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप कोट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी किए थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या कंस्ट्रक्टिव काम, देखिए जो ये ठीक है, एक्शंस, प्लान, एक्शंस, प्लान्स हैं जो कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो जब इंटरेक्शंस किया था गांधी जी, जब इंटरेक्शन कर रहे थे इस समस्या का, तो देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजें नोटिस की, ठीक है। और वो क्या नोटिस की थी, उन्होंने सोचा कि जो कल्टीवेटर है ना उनकी इलिटरेसी ही सबसे बड़ा रीजन है इनके एक्सप्लॉयटेशन और इनकी अधीनता के पीछे, ठीक है, कि भाई ये इलिटरेट हैं जिसकी वजह से, क्योंकि इनकी इलिटरेसी की वजह से क्या था, इनको पेपर भेज देते थे और इनके अंगूठे के निशान जो यूरोपियन प्लांटर्स हुआ करते थे वो इनके अंगूठे के निशान, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, है ना, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, गांव में जाते हैं और जबरदस्ती उनके अंगूठे लगवा लेते हैं, है ना, कि मैं अपनी मर्जी से जो है इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा हूँ, बॉन्ड को साइन कर रहा हूँ कि मैं अपने खेत में अब नील उगाऊंगा, है कि नहीं है, पढ़ नहीं पाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी होती थी कि अगर आप नहीं उगाओगे तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, आपका अनाज जो है जब्त कर लिया जाएगा, आपके जानवर जब्त कर लिए जाएंगे, आपका घर गिरवी रख दिया जाएगा। तो इस तरीके की टर्म्स कंडीशंस उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेटिव होती थी, एकदम इनह्यूमन, तो उनको उस पर इम्पोज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी ने एक चीज और, यानी कि उनकी जेन्युइन समस्या पर काम किया यहाँ पर, तो ये पहचाना कि भाई लिटरेसी इज द मेन रीजन बिहाइंड योर
एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर जो है उस चीज को भी ठीक करना चाहा, और इन्होंने क्या करना चाहा, यहाँ पर इकोनॉमिक और एजुकेशनल एक्शंस लिए, यानी के अगर किसानों के लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने लिए सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन एक सही डिसीजन ले सकता है, राइट? तो इकोनॉमिक्स भी उनकी सही होगी. तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने क्या किया था और एजुकेशन के लिए क्या किया था, ठीक है? क्योंकि एजुकेशन इकोनॉमिक्स को ठीक कर लेता है. समझ में आया आपको? तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पर 3 थे स्कूल्स बनाए थे, और इसके अलावा बुनियादी स्कूल भी, ठीक है, जिसे आज आप प्राइमरी स्कूल के रूप में जानते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे. समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको जो समझा रही हूँ, बुनियादी स्कूल बनाए जिसमें क्या पढ़ाया जाएगा, फार्मिंग, कारपेंट्री, स्पिनिंग, ठीक है, चरखा कातना भी है यहाँ पर, ठीक है. देखिये, चरखा कातना तो था ही, है ना? तो और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी एक्टिविटी, जिससे क्या होगा, सेल्फ सस्टेनेंस आएगी, है ना? अभी जो है हमारी मोदी सरकार ने, देखिए यहाँ पर एक मैं एक चीज और बता दूं आपको, अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है आत्मनिर्भर भारत. किसने किसने सुना है इस चीज के बारे में, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया किया है. यही होता है सेल्फ सस्टेनेंस, यानी कि वहां पर ऐसी सिचुएशंस, मतलब इस तरीके के अरेंजमेंट कर दो कि लोगों को अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड के लिए भटकना ना पड़े, यानी कि लोग सेल्फ सस्टेन हो जाएं. लेकिन यहाँ का जो जो आज का जो मॉडर्न आत्मनिर्भर भारत है, दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग अपग्रेडेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आत्मनिर्भर है वो इस फील्ड में भी है कि हम लोग ना इम्पोर्ट पर, है ना, स्पेशली चाइना और अदर कंट्रीज से हम लोग अपनी नीड्स को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स के लिए, ठीक है, हम अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक नीड्स के लिए इंपोर्ट पर ज्यादा जो है निर्भर हैं. यहाँ पर हम ज्यादा निर्भर हैं इंपोर्ट पर. तो यहाँ पर जो पॉलिसी हमारी वो ये भी है कि हम अपनी डोमेस्टिक नीड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही कंप्लीट करें, ठीक है. तो इसको, इसमें हालांकि कुछ बहुत सारी वीकनेसेस हैं, यहाँ से भी डेफिनेटली प्रीलिम्स में, आपका प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आएगा आत्मनिर्भर भारत से, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा. तो आप इसको मान सकते हैं, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग पर अगर इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो शायद इंडिया आत्मनिर्भर बन सकता अगले 5 से 10 सालों में, ठीक है. एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काम करना चाहिए इंडिया को, ठीक है. यही बेसिक समस्या है इंडिया में, ठीक है. तो आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस बनने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, है ना. हम, आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली तो चाइनीज की भरमार है, समझ रहे हैं आप. जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना, वो फैन से लेकर जो भी कुछ है वो सब इम्पोर्टेड होते हैं, ठीक है. हमारे देश में बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, समझ में आ गए. तो देखिए, ये इस तरीके की चीजें है ना, आप कोट कर सकते हैं. मान लो आत्मनिर्भर भारत पर आप एस भी लिख रहे हैं या आप कोई क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं कि ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट गांधी आल्सो इस्टेब्लिश्ड बुनियादी स्कूल्स टू टॉट फार्मिंग एंड टू स्ट्रेंथन द फार्मर्स फॉर द सेल्फ सस्टेनेंस ऑफ द पीपल, ठीक है. आई थिंक आपको क्लियर हुआ चीजें, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया. थैंक यू तन्नु, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी थिंग नाइसली. ओके, आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है तो आप मुझे प्लीज लिखिए. कोई दिक्कत यहां पर आपको है तो, अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूं सिग्निफिकेंस क्या थी, ठीक है. ये है आपका मेन यहां पर, ठीक है, बाकी तो इंफॉर्मेशन थी बस, ठीक है. जिसको भी डाउट है बेटा कुछ लिखिए आप, ठीक है. बाकी मैंने आपको कॉन्टेक्ट तो बता ही दिया है, आप वहां पर भी जो है मुझे लिख सकते हैं.
एक तो ये फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, जिसने नेशनल मूवमेंट के इरा में एक न्यू डायमेंशन ऐड किया था। और यही वो मूवमेंट था जिसमें मोहनदास को धीरे धीरे महात्मा में बदल दिया, ठीक है। तो महात्मा बेसिकली कौन होते हैं, किसको संज्ञा दी जाती है, किसको कहते हैं हम महात्मा, टाइटल किसको दिया जाता है? महात्मा वो होते हैं जो बेसिकली ह्यूमैनिटी को की सर्विस के लिए काम करते हैं। राइट, नेक्स्ट। और इस सत्याग्रह ने क्या किया था, इट वाज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ गांधीज न्यू मेथोडोलॉजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, वेयर पैसिव नॉन वायलेंट सिविल रेजिस्टेंस वाज मेन मोड ऑफ मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, उनको मैं लास्ट में एक बात बताऊंगी, ठीक है, आपको समझ में आए तो मान लेना, ना समझ में आए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आप यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है ऑफ बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अपना अपना देख लो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था बेटा, सिविल डिसोबीडियंस वो अलग था, है ना, वो अलग था, ये अलग है, ये एक प्रोटेस्ट है। मैं आपको बताऊंगी सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, तो समझ में आया आपको। तो सेलिब्रेशन किया सबने, समझ में आया। अब यहां पर चलिए आप खेड़ा मूवमेंट पर आ जाते हैं। खेड़ा मूवमेंट क्या था, ठीक है, खेड़ा बेसिकली गुजरात में एक जगह है ना, गुजरात में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर बेसिकली फेमाइन आया था, ठीक है, यहाँ पर अकाल पड़ा, यहाँ पर भी किसान खेती किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाल आया, अकाल पड़ गया, यानी कि बारिश नहीं हुई, जब मानसून नहीं आया, तो मानसून नहीं आता है तो खेती कैसे करेंगे, ठीक है, खेती हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब फेमाइन आता है या मानसून फेल होता है, तो इरिगेशन के जितने आज इरिगेशन की जितनी फैसिलिटीज आज हैं उस टाइम पे तो थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या आई, अकाल की वजह से क्रॉप्स नहीं हुई, ठीक है। अब क्रॉप्स नहीं हुई तो किसान को समस्या आएगी। अब यहाँ पर एक रिवेन्यू एक्ट हुआ करता था, ठीक है, रिवेन्यू एक्ट, ठीक है। और वो रिवेन्यू एक्ट क्या बोलता है, ये मैंने आपको लिखा भी है, कि जब भी नॉर्मल प्रोडक्शन से अगर हम किसी भी किसान का क्रॉप प्रोडक्शन 1/4 से कम है, ठीक है, यानी कि 100 किलो अनाज होता है, एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको पढ़ा दूँ, समझा दूँ। मान लो एक खेत है और उस खेत में 100 किलो ग्रेन या ग्रेन होता है, वीट होता है या राइस कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्म, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल प्रोडक्शन। अगर इस नॉर्मल प्रोडक्शन का 1/4 से भी कम, 1/4 से भी कम होता है, ये उस एक्ट में था कि अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से 1/4 से कम अगर फसल होती है तो किसान को टैक्स रेमिशन दे दिया जाएगा, उसको रिबेट मिल जाएगा, फिर उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो पूरा अकाल पड़ गया, ठीक है, यहाँ पे तो पूरा अकाल पड़ गया, तो टैक्स कैसे देते, ठीक है। तो किसानों ने कहा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों, हम
आपको लैंड टैक्स पे करने के लिए एबल नहीं है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा शट अप, क्या कहा शट अप, आपको टैक्स देना पड़ेगा चाहे भले ही आपको आपको फसल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके बाद किसान क्या करते हैं, अपने आप को किसानों ने क्या किया, मोबिलाइज किया, यानी कि एक ऑर्गेनाइज बना लिया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, गुजरात सभा होती थी जो कि पीजेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसमें सभी पीजेंट थे, फार्मर्स थे। ठीक है, तो इन्होंने पिटिशंस लगाई गवर्नर जो कि उस टाइम पे हाईएस्ट अथॉरिटी थे कि आप जो है इस साल का लैंड रेवेन्यू जो है सस्पेंड कर दें। ठीक है, तो आई थिंक खेड़ा मूवमेंट आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये कौन गलत कमेंट लिख रहा है, केस हो जाएगा आपके ऊपर, ये जो भी है। ठीक है, ये जो भी लिख रहे हो ना आप सोशल मीडिया पे, आपको पुलिस वहीं से निकाल लेगी जहां अभी घुसे हुए हो। ठीक है, तो कम से कम बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, आप जॉब आपको नहीं पढ़ना है, आप हमारे सेशन से निकल जाइए, लेकिन हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को जो है आप इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको निकल जाना चाहिए क्लास से। ठीक है, नहीं तो हमारी टीम आपके ऊपर एक्शन लेगी। राइट, फिल्दी लैंग्वेज इज नॉट अलाउड हेयर। आप स्टूडेंट को गलत नहीं बोल सकते, आप लड़ने लग जाते हैं, आप मेरे से बात करिए, मेरे से इंटरेक्शन करिए आप। ठीक है, पब्लिकली ऐसे स्टूडेंट से लड़ना और एब्यूज करना इज अ क्राइम, इट्स अ क्राइम। बिना बात के आप किसी को गलत बोल रहे हो, इट्स अ क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिजेक्टेड द डिमांड्स एंड आस्क्ड द ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी को क्या बोला, अपने सिक्योरिटी भेज दी, उनकी जमीन जब्त करो, उनके घर जब्त करो और उनके पशुओं को। ठीक है, जो भी उनके पास पशु, क्योंकि यही तो बेचारों की प्रॉपर्टी होती थी, फार्मर्स गरीब होते थे, इतने कुछ होता तो था नहीं उनके पास। ठीक है, सिर्फ यही उनकी लैंड जिस पे वो उगाते थे फसल, एक रहने के लिए टूटा फूटा घर होता होगा और छोटे मोटे जानवर होते होंगे जिससे वो अपना दूध वूध से जो है अपना गुजारा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन्होंने सबमिट किया गुजरात सभा को। ठीक है, और उस टाइम पे जो गुजरात सभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ना, वो गांधी जी हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट थे ये, स्पिरिचुअल लीडर बन गए एक तरीके से, क्योंकि ये सभा के प्रेसिडेंट भी थे। और इन्होंने किसानों को क्या कहा, नॉट टू पे टैक्सेस, भी टैक्स पे नहीं करना है आपको, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी टैक्स पे ना करे। ठीक है, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के जितने अदर जो टीम मेंबर्स थे, और भी इसमें नाम आते हैं, इंदुलाल याग्निक, शंकर लाल बैंकर और महादेव देसाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हस्तियां थी, इतनी बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने कंट्री साइड में, कंट्री साइड यानी कि गांव गांव घूमकर, कंट्री साइड होता है रूरल एरिया। ठीक है, तो रूरल एरियाज में जाकर जो है इन्होंने किसानों को उनके राइट्स के लिए अवेयर किया कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर हो जाए। ठीक है, तो फाइनली अथॉरिटीज ने क्या किया, एक सॉल्यूशन पर आ गए और कहा कि भाई जो रिच पट्टीदार, पट्टीदार का मतलब होता है, गुजरात में किसान मोस्टली पट्टीदार से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पट्टीदार का मतलब भी फार्मर पीजेंट यही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि भाई अगर जिसकी कंडीशन है वो टैक्स पे कर दे। देखिए, जब यहाँ पर मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, तो यहाँ पर इन लोगों को जो है ये लगा कि भैया तो टैक्स दे ही नहीं रहे, अब क्या करेंगे, उनके घर कब्जा लेंगे, उनके जानवर ले लेंगे, अब उनके जानवरों को पालना भी तो पड़ेगा, अब उनके घर में अब अंग्रेज आके रहेंगे तो है नहीं। ठीक है, ये तो एक तरीके से उनको प्रेशराइज करने का तरीका था। फाइनली जब अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब लगा कि दे आर डिफिटेड बाय गांधी, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला जिससे इनकी थोड़ी सी इज्जत बच जाए, वैसे तो इनकी कोई इज्जत थी, थोड़ी सी इज्जत बच जाए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करिए कि जो रिच पट्टीदार्स हैं, फार्मर्स हैं, वो टैक्स पे कर सकते हैं, और जो है अगर जो पुअर है, जो नहीं पे कर सकते, उनका माफ किया जाता है। मतलब फिर भी उस
उस फॉर्म में जो है इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन इसका जो मीनिंग था वो यही था कि जिसकी कंडीशन है पे करने की वो टैक्स पे कर दे, अगर कंडीशन नहीं है तो उनका कम्प्लीटली उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कम्प्लीटली टैक्स फ्री कर देना, यानी कि टैक्स देना आपको अब नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं उस टाइम पे कोई रिटर्न नहीं मिलता था। ठीक है, यह आज का सिस्टम अलग है अंकिता, उस टाइम पे अलग सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, आजकल तो लैंड टैक्स ही नहीं लेती सरकार। ठीक है, तो आज तो वी आर अ डेमोक्रेसी। देखो टैक्स एक तरह से ही होता है कि भाई मतलब इस तरीके से मतलब उनका अपना रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम हुआ था, होता था ब्रिटिशर्स के पास। जैसे हर एक गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है समझिएगा अंकिता, जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट का भी एक इनकम सोर्स होता है। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट का क्या होता है इनकम सोर्स, वो होता है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स लेती है वो अपनी जनता पर, जनता से। ठीक है, तो पब्लिक से टैक्स लेती है ना। तो जो कॉरपोरेट, जैसे कॉरपोरेट टैक्स है ना, अब तो जीएसटी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, है ना, हमारा सैलरी का अगर हम टैक्स स्लैब क्रॉस कर रहे हैं तो 10% जो है हमारी सैलरी का काट लिया जाता है। अब ये घटाकर 7.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 10% हमारा कटता रहेगा, लेकिन बाद में हम लोग ITR फाइल कर सकते हैं। ITR इनकम टैक्स रिटर्न, भाई आपने जो मेरा, हम सरकार से एक तरीके से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपने जो मेरी इनकम का 10% काटा था वो मुझे रिटर्न कर दीजिए, मेरे बहुत खर्चे हैं। ठीक है, तो वो मोस्टली सरकार आपके इनकम जो है, आपके अकाउंट्स वगैरह की डिटेल चेक करने के बाद आपका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था, जिसे TDS कहा जाता है। ठीक है, इसे TDS कहा जाता है। ठीक है, तो इस TDS को रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम पे इस तरीके का ITR सिस्टम नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो आई थिंक आज का सिस्टम तो डेमोक्रेटिक है ना, सब कुछ ऑनलाइन है। आप जरा सी बात को तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कोरोना जैसी महामारी आई थी तो इसमें EMI मोरेटोरियम दिया गया है ना, कि आप अपनी EMI को रोक सकते हो, तो मोरेटोरियम दिया गया। इसके बाद अभी एक नया प्लान आया है RBI की तरफ से, जिसे लोन रीस्ट्रक्चरिंग कहा गया है ना, आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सेक्टर्स आज भी, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम आज भी जो है नहीं इस क्राइसिस से उभर पाए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि आप अपना लोन स्ट्रक्चर करा ले, रीस्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लो आपकी 5000 EMI है और एक साल के लिए, 1 year के लिए, तो आप इसको जो है 2500 करा लो। ठीक है, तो आप इसको 2500 करा लो और आपका टाइम 2 साल हो जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ प्लान अब गवर्नमेंट लेकर आई है ना। तो ये प्लान्स ताकि पब्लिक के ऊपर प्रेशर ना आए, है ना, तो इस तरीके की से चीजें जो है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं होता, है ना। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई, तो यहाँ पर भी जो है फाइनली जीते। और सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी मूवमेंट की, कि ये नॉन वायलेंट, देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल करी थी, नॉन वायलेंट, दिस इज द वैल्यू पॉइंट फॉर यू। ठीक है, और पीजेंट्स ने क्या किया, दे आर हैप्पी एंड दे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो TDS पे क्या कर रहे हैं वो आप। ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है, TDS होता है आपके से टोटल टैक्स डिडक्शन। ठीक है,
जैसे जितनी भी आपकी मंथली सैलरी होती है उससे जो आपका डिडक्शन हुआ, जैसे मान लो आपने 50,000 रुपीज कमाया तो उसमें से 10% टीडीएस कट गया आपका, यानी कि आपके 5,000, आपको 45,000 मिलेंगे, आपके 5,000 जो है टीडीएस काट लेगी आपकी कंपनी और वो सरकार को दे देगी, फिर सरकार से आप मांगोगे, है ना? ये होता है टीडीएस। अब हम लास्ट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के रूप में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? 1918 में ये हुआ था, ठीक है? तो अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या था, ये भी एक तरीके से सत्याग्रह था, ठीक है? अब यहां पर देखिए, ये बेसिकली था क्या, इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर्स एंड वर्कर्स ओवर द विड्रॉल ऑफ प्लेग बोनस। देखिए उस टाइम पे ना बीमारियां बहुत चलती थी, हेल्थ फैसिलिटीज तो इतनी ठीक थी नहीं, तो उस टाइम पे जो वर्कर्स होते थे उनको बोनस दिया जाता था, जैसे आजकल गवर्नमेंट देती है बोनस, तो उसी तरीके से जो है उस टाइम पे बोनस दिए जाते थे। तो अहमदाबाद में एक कॉटन की इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, एक मिल थी जिसमें वर्कर्स काम करते थे, और उस टाइम पे वहां पर मिल के ओनर्स ने क्या किया, एक प्लेग बोनस जो मिलता था उनको उसको खत्म कर दिया कि भाई अब से आपको प्लेग बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये प्लेग बोनस भी उन्होंने ऐसे टाइम पे वापस किया था जिस टाइम पे ऑलरेडी लोग बहुत सारी अनयूजुअल हाई प्राइसेस सिचुएशन, इतनी ज्यादा हार्डशिप्स झेल रहे थे, जैसे आज हम लोग झेल रहे हैं ना, जैसे आज कोरोना क्राइसिस है हमारे देश में, क्या पूरी 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 दुनिया में है, तो आज मोस्टली सेक्शन सोसाइटी का आज एक फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? तो सेम कंडीशन उस टाइम पे भी थी जब 1918 में सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, और ब्रिटेन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया तो और वो जीत गया, तो उसका लॉस तो हुआ ना फाइनेंशियल, तो उसने क्या किया, अपने फाइनेंशियल लोन को रिकवर करने के लिए उनकी जितनी भी कॉलोनीज थी उन सभी कॉलोनीज पर हाई टैक्स लगा दिए, चीजों के रेट बढ़ा दिए, और इससे इसका प्रभाव किस पर पड़ा, आम लोगों पर पड़ा। तो उस टाइम पे तो लोग जनरली इतना जो है हार्डशिप्स फेस कर रहे थे, है ना, जैसे आजकल नहीं कर रहे, तो इमेजिन द सेम कंडीशंस लाइक टुडे वी आर फेसिंग, तो एट दैट टाइम द सेम कंडीशंस वी वर फेसिंग, राइट? तो उस टाइम पे जैसे आज एक तो कोरोना क्राइसिस और ऊपर से जॉब चली जाए या सैलरी कम हो जाए, है ना, तो ये वही हो जाएगा ना, तो मतलब प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। तो इससे लोगों को, जो वर्कर्स थे उनको क्या लगा कि भाई ये तो हमारे साथ इनजस्टिस है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी। अब स्ट्राइक करते रहे, अब स्ट्राइक करते रहे, उनमें इतना कुछ लीडरशिप वाली बात कोई थी नहीं, तो मिल ऑनर्स ने जो है कोई सुनवाई नहीं करी। अब उसी मिल ऑनर की के मालिक की, ठीक है, उस जो जो मिल थी उस मिल का ऑनर था अंबरलाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, ठीक है? तो अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुया साराभाई, जो कि एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी, ठीक है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी। इसने इससे कांटेक्ट किया वर्कर्स ने कि जो है हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा प्लेग बोनस खत्म कर दिया। अब अनुसुया साराभाई ने क्या किया, गांधी को इनवाइट किया। देखिए हर जगह कोई ना कोई है जो गांधी जी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को और कहा, अपन उस टाइम पे इसके भाई थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मतलब मिल ऑनर्स एसोसिएशन में से, ठीक है, कि आप आए और इंटरवीन करें इस मामले में, ठीक है, मेथड कुछ हद तक फेल रहा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि आप जो है अपनी डिमांड, क्योंकि ये जो डिमांड कर रहे थे 50% प्लेग बोनस, कि आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम करिए, 35% कर लीजिए, आप ज्यादा मांग रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, 35% पर ले आए, ठीक है, कि आप इतनी डिमांड करिए, 50% तो ज्यादा होता है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए गांधी जी और जितने भी उनके साबरमती आश्रम के वॉलेंटियर्स हुआ करते थे, उन्होंने उनको मोबिलाइज किया, मीटिंग करी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मिल ओनर्स जो है अपने स्टैंड पर थे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और जब ये इतना करने के बाद भी क्या हुआ, वर्कर्स का जो एंथुजियाज्म था, जो करेज था, वो जो है टूटने लगा। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी के पास एक लास्ट जो इनकी स्ट्रैटेजी थी वो थी हंगर स्ट्राइक। क्या थी? हंगर स्ट्राइक, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर तीन मूवमेंट बताए, एक चंपारण, ठीक है, तो चंपारण में क्या किया था इन्होंने, दूसरा था आपका खेड़ा, यहाँ पे सत्याग्रह किया है ना, यानी कि आप अपना ये एक्ट वापस लो। खेड़ा में क्या किया, नॉन वायलेंस, ओके। और यहाँ पर क्या किया, हंगर स्ट्राइक, ये तीन टेक्निक्स, ठीक है, इस्तेमाल की। और जो है फाइनली मिल ओनर्स एग्री हो गए, तो 35 पे भी नहीं माने तो वर्कर्स अल्टीमेटली गो 27.5% वेज राइजेस भी इनको मिला, ठीक है। तो ये तीनों मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहे, और जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला, गांधी गेन नेशन वाइड पॉपुलैरिटी, मतलब नेशनल लेवल पर वो फेमस हो गए थे, और इन्होंने जो लोकल चीजों को जो एड्रेस किया तो इसकी वजह से इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, ठीक है। और दूसरी चीज, लोगों के दिमाग में जो एक डर था ना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो डर दूर हुआ इनका, ठीक है। और इस सारे जो है प्रोसेस में क्या हुआ, गांधी जी को एक पॉलिटिकल एक्शंस जो है इनके प्रोसीड हुए, एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी इनको मिला, ठीक है। और एक नई लीडरशिप भी उभर कर सामने आई, न्यू लीडरशिप, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, अहमदाबाद मूवमेंट पेव्ड द वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन फेब्रुवरी 1920, ठीक है। ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाकर। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब एस्टैब्लिश हुआ, ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। दूसरे अदर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और उसमें एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई किस तरीके से, किसका ये रिजल्ट था, ठीक है। स्माइल करिए आप, ठीक है। अब एक चीज आज के लिए जो है इतना ही, ठीक है। तो रीजनल मोमेंट अभी 6 बजे क्विज चैनल पर मैं आपके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके क्विज लेके आती हूँ। एक इसकी क्विज कराऊंगी मैं आपको, एक क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ आपको, 10-12, तो ये आप अटेंड करिएगा अभी 6 बजे, ठीक है, राइट। अब बताइए बेटा, मैं आपकी क्वेरी लेती हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं बुक्स कौन सी पढ़नी है आपको, बुक्स। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाएं आप, आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। देखो मेरा जो आपको सजेशन रहेगा वो रहेगा 11th एंड 12th एनसीईआरटी, बस ये पढ़ो आप हिस्ट्री के लिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, देखनी नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं स्ट्रेटजी बता दूं आपको, पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए प्रीलिम्स के लिए आप कैसे पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए आप रट्टाफिकेशन भी चल जाएगा, आप फैक्ट्स रटोगे, राइट। मेंस के लिए आप कैसे पढ़ोगे, मेंस के लिए यू विल जस्ट ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली,
ऑब्जर्व, जैसे मान लो अभी मैंने आपको रीजनल मूवमेंट पढ़ाए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा आपने, है ना, कि गांधी ने कैसे कैसे मूवमेंट चलाए और क्या क्या मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, ठीक है, जैसे गांधी जी के थॉट्स क्या हैं, उनकी टेक्निक्स क्या है, उनकी मेथोडोलॉजीज क्या है, या उनका तरीका क्या है, ठीक है, तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। 11th या 12th एनसीईआरटी तनु पूछ रही है, वनडे एग्जाम्स के लिए भी, ये सबके लिए, एनसीईआरटी तो हर एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए तो मस्ट है। यस, ओल्ड एनसीईआरटी जाइए आप, अंकिता, ओल्ड ओल्ड पढ़िए, ओल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड पढ़िए आप, राइट। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। और एक कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया, के मैम ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मैसेज भी किए थे, मैम हिंदी मीडियम ऑप्ट करें कि इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम के लिए जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन इंग्लिश बुक्स, ओके, तो इस बार का जो रिजल्ट है उसमें हिंदी मीडियम का कुछ कोई खास रिजल्ट नहीं आया, ओनली 35 सिलेक्शंस आर देयर। और तो मेरा जो आइडिया है, तो मैं इसी के लिए कहूंगी आपको कि आप इसी के लिए जाइएगा, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं, और मेरा कॉन्टेक्ट भी मेंशन है, आप मेरे से उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करने में, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और आज का जो हमारा सेशन था, आज हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कल फिर 2 बजे हमारा सेशन आएगा, और अभी 6 बजे भी हमारा सेशन है, तो कल जो हमारा सेशन आएगा वो मैं लेके आऊंगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर, ठीक है। तो कल से हमारे ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कल 2 बजे सेम टाइमिंग क्लास होगी, मैं लाइव आऊंगी, प्रीमियर नहीं होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए आप, आपको हिस्ट्री की, लक्ष्मीधर आपको हिस्ट्री क्लास में नींद आती है, पहले सो लीजिए आप। हाँ बिल्कुल अंकिता, राइट, इंग्लिश में ज्यादा सिलेक्शन की जो रेशो है उसका रीजन है बुक्स, हिंदी में स्टडी मटेरियल इतना ठीक मुझे नहीं लगता। टेलीग्राम आईडी मैंने इसी चैनल पे बता दी आपकी, जो मेरी टेलीग्राम आईडी है वो है kiran/ISEducator, ठीक है। और कल 6 बजे मिलते हैं गाइस, ठीक है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्विज के साथ, ठीक है। तो तब तक आप अपना स्माइल करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद